हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सुनाज क्रिएटिविटी तो फ्रेंड्स आज आपके साथ शेयर करेंगे देखिए इस थाल पोस्ट का नेक्स्ट पार्ट जिसमें कि देखिए हमने इसको इतना बना करके कंप्लीट कर लिया ठीक है पिछले वाली वीडियो में हमने शेयर किया था आपसे बैंगल से तोड़ करके इन फ्लावर्स को निकाल के कंप्लीट करना ठीक है पूरा फ्लावर्स हमने आपको बनाना बता दिया फ्लावर को तो बहुत ईजी बहुत सिंपल इसको बनाना सारा मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप किस तरीके इसको बना के कंप्लीट करेंगे किस तरीके से क्या करना है ठीक है सारा कुछ मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है इसकी पार्ट वन वीडियो में सारा मैंने बता दिया है बैंगल्स पे इसको लपेट के इसको स्टिच करना फिर बैंगल्स इस को तोड़ के इन फ्लावर्स को निकालना यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया उसके बाद से जब हमको ये वाला कंप्लीट करना है जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा ग्रीन वाले सबको बना के कंप्लीट करना है तो ये कैसे बनाएंगे कैसे नहीं सारा कुछ आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं तो बने रही वीडियो के एंड तक चलिए अभी देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम बना के कम्प्लीट करेंगे बहुत इजी एंड सिंपल वे में देख सकते हैं अभी हमने ये कंफर्म नहीं किया कितने बनाने तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फोर बना के हमने ये कंप्लीट कर लिया ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन बनाए हैं ठीक है इलेवन ये है एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फ्लाट्स बने हैं अभी फाइव या सिक्स अभी और बाकी जो कि हमें बना के कम्प्लीट करने हैं ठीक है तो फाइनली चलिए बने रही वीडियो के एंड तक आप लोग इसको बना के कम्प्लीट करके आप लोग के साथ हम फिर शेयर करते हैं किस तरीके से इसको कम्प्लीट करना है ठीक है तो देख सकते हैं फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए हम ग्रीन कलर का थ्रेड यूज़ करेंगे कोई भी फ्लावर ले लेंगे इसमें से एक और बाकी को हम साइड करेंगे इसका भी कोई वर्क नहीं है कि फ्लावर्स से हमें इसको बना के कम्प्लीट करना है ठीक है तो फिलहाल सारा हम इस तरीके से भी साइड कर देते हैं और इन फ्लावर्स को भी यहाँ पर साइड करेंगे और देखिए इस तरीके से मैंने इस फ्लावर को लिया है और ग्रीन कलर का थ्रेड लेंगे ठीक है सबसे पहले एक नॉट लगाएंगे जिस तरीके से आप लगाते हो लगा लीजिएगा जिस तरीके से मैं लगाती हूँ लगा लेती हूँ ठीक है सिंपल एक नॉट लगाएंगे देख सकते हैं आप लोग ये एक रोचि ठुकवाई है जो कि हमेशा यूज करते हैं देख सकते हैं आप लोग ठीक है आप लोग लो जो भी लगाते हो थ्रेड जिस तरीके से नॉट लगाते हो लगा के आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ठीक है देख सकते हैं सारा ये हमको इस तरीके से पकड़ते हुए जाना है एक भी स्किप मत करिएगा वरना अच्छा नहीं बनेगा डिज़ाइन ठीक है देखिए इस तरीके से दोनों साइड से इसको खींचते हुए यहाँ से इसको निकाल लेना है ठीक है और यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे और धागे को टाइट कर देंगे ठीक है नॉट लगाने के बाद धागे को टाइट करना है यहाँ से चेन बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है नाइन या फिर टेन जो भी आपको बनाना है बना लीजिए टेन ले लेते हैं हम उसके बाद से फिर से जितने भी थ्रेड्स हैं सबको एक साथ फिर से हमको कवर करना है यानी पकड़ते हुए जाना है और फिर से धागे किस्में से निकालते हुए देख सकते हैं यहाँ पे नॉट लगा देंगे ठीक है फिर से यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन का चेन लेंगे और फिर से देख सकते हैं आप बल ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है तो फिलहाल अभी हमने बल लिया है देखिए इस तरीके से जाना है इसको फिर से इस साइड से धागे को निकालते हुए यहाँ से हमने इस तरीके से देखिए निकल गया यहाँ से यूं रखिए धागे को और इन सब में एक भी स्किप नहीं करिएगा फ्रेंड्स ध्यान से बहुत ही ध्यान से देखिए इस तरीके से सारे जो जितने भी फंदे हैं ना सबको इस तरीके से पकड़ते हुए सारा इस तरीके से कंप्लीट करते हुए जाइएगा ठीक है सारा कुछ इस तरीके से एक भी स्किप मत करिएगा वरना समझ में नहीं आएगा है ना स्किप कर देंगे तो वो छूट जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा लुक अच्छा नहीं आएगा इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक भी स्किप मत करिएगा और यहाँ देखिए एक स्किप हो रहा है इसको भी मैं ले लेती हूँ सारा मैंने देखिए इस थ्रेड में ले लिया है क्रोचे ठुक में और इस तरीके से खींचते हुए देखिए इस तरीके से इसमें से निकालेंगे ठीक है निकालने के बाद यहाँ पर नॉट लगाया हमने और नॉट लगाने के बाद देखिए अब यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट का चेन लिया नाइन और टेन का ठीक है और फिर से हम इसको इसी तरीके से पकड़ते हुए पूरा कंप्लीट करते हुए जाएंगे धागे को ले लेंगे इस तरीके से और सारा हम इसमें इस तरीके से कवर कर लेंगे ठीक है और उसके बाद से देख सकते हैं आप लोग इसको इसी तरीके से निकालते हुए इसमें से इसको निकालेंगे और ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया ठीक है तो देख सकते हैं थोड़ा सा आप ढीला भी रख सकते हैं टाइट भी करना है तो टाइट भी कर सकते हैं जैसा आपका मन हो वैसा आप बना लीजिए तो चलिए फाइनली इसको हम आपको कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं ठीक है और चिन्ह बना लेते हैं देखिए यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन का चेन ले रहे थे हम ठीक है आप टेन का भी ले सकते हैं नाइन का भी ले सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है तो फाइनली चलिए इसी तरीके से राउंड पूरा कंप्लीट करते हैं फिर आप लोग को बताते हैं किस तरीके से तो क्या करना कंप्लीट कर लिए देखिए सारा हमने बना लिया लास्ट वाली जो हमने चेन भी ली है अब इसको देखिए फर्स्ट वाली जो चेन है ना इसमें ला के स्टिच करना है अब देखिए आगे इसका प्रोसेस हमें कैसे क्या करना है ठीक है हमने इस तरीके से फ्लावर को स्टिच कर लिया है अब यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे और इधर देखिए इधर इस तरीके से वन चेन लेंगे और फिर स्लिप स्टिच लगाएंगे वन चेन लेंगे और स्लिप स्टिच लगाएंगे ठीक है इस तरीके से हम बीचों बीच में आ जाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री का चेन लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे फोर डबल क्रोशिया ठीक है तो वन हो गया ये टू हो गया ठीक है ये थ्री हो गया और ये फोर हो गया तो फोर डबल क्रोशिया हमने बना लिया और चेन को लेकर के फाइव डबल क्रोशिया में बनाना है ठीक है अब यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन का चेन लेंगे नाइन या टेन का जितना भी लेना हो आपको ले लीजिए फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वन ठीक है टू हो गया यहाँ से और ये थ्री फोर है ना और यहाँ से फिर से फाइव तो इस तरीके से करते हुए इस पूरी रो को हमें कंप्लीट करना है देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन का चेन लीजिएगा और फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो देखिए वन डबल क्रोशिया फिर टू डबल क्रोशिया ठीक है और टू के बाद थ्री हो गया थ्री के बाद यहाँ पे फोर और फोर के बाद यहाँ पे फाइव और इसी तरीके से नाइन चेन लेना है ठीक है नाइन चेन लीजिए फिर यहाँ पे बनाइए फाइव डबल क्रोशिया फिर नाइन चेन यहाँ पे फाइव डबल क्रोशिया नाइन चेन यहाँ पे फाइव डबल क्रोशिया तो इसको हम फाइनली आपको कंप्लीट करके फिर देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन का चेन लेंगे और यहाँ पे हम लगा लेंगे स्लिप स्टिच ठीक है देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगा ली यहाँ से वन चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे ला के स्लिप स्टिच लगा देंगे ठीक है तो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया वन टू थ्री का चेन लिया और यहाँ पे बना लेंगे फिर वन डबल क्रोशिया टू स्किप करके बनाना है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा ठीक है फिर वन डबल क्रोशिया और आगे जो ये जो स्पेस है यहाँ पर हम फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे तो वन टू थ्री और ये फोर तो यहाँ पर हमने फोर डबल क्रोशिया बना लिया ठीक है और इधर थ्री डबल क्रोशिया अब यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन का चेन लेंगे टू तो ही स्किप करना है ध्यान दीजिएगा और फिर से यहाँ से बनाएंगे वन डबल क्रोशिया जस्ट उसी के बगल से एक और बनाएंगे वन डबल क्रोशिया फिर यहाँ से एक और वन डबल क्रोशिया ठीक है फिर नेक्स्ट यहाँ पे फोर डबल क्रोशिया तो वन डबल क्रोशिया टू तो डबल क्रोशिया थ्री डबल क्रोशिया एंड ये लास्ट में एक और बना लेंगे फोर डबल क्रोशिया ठीक है तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट करना है देखिए बहुत इजी प्रोसेस है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन का चेन लेना है टू स्किप करना है और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर बनाएंगे वन डबल क्रोशिया ठीक है टू डबल क्रोशिया यहाँ से फिर से थ्री डबल क्रोशिया है ना और ये थ्री बना लिए अब यहाँ पे हम बनाएंगे फोर यानी कि सेवन बना लेना है तो वन टू ठीक है थ्री और ये फोर तो ये थ्री बना लिया हमने यहाँ पे एक और बनाएंगे यहाँ पे फोर तो हमने फोर डबल क्रोशिया बना लेना है ठीक है और ये सेवन हो गया पूरा टोटल मिला के सेवन हमने डबल क्रोशिया बना लेना है तो देख सकते हैं इस तरीके से बना के हमें इसे कंप्लीट करना है बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसको बना के कंप्लीट करने का और बहुत ही कम टाइम में इसको इजीली आप बना सकते हैं फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन का चेन लेंगे और दो स्किप करके बना लेंगे फिर चेन लेंगे फिर दो स्किप करके बनाएंगे आगे यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे हम फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे ठीक है तो फाइनली हमने यहाँ पे थ्री आपको बना के दिखाया है फिर इस रो को भी हम आपको बना करके फिर दिखाते हैं इसको भी हमने बना के कंप्लीट कर लिया है इसकी देखिए सेकंड रो भी बना ली हमने ठीक है तो देख सकते हैं आप लोग ये हमने यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लिया है ये सेकेंड रो है इसकी अब यहाँ पे लगाएंगे हम स्लिप स्टिच ठीक है अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा के यहाँ पे इसको स्टिच इस कर लेंगे ठीक है फिर इसको भी स्किप करेंगे यहाँ पे एक चेन लेंगे और यहाँ पे ला करके कर स्लिप स्टिच लगा के यहाँ पे इसको स्टिच इस करेंगे यहाँ से थ्री का चेन लेंगे फिर से सेम वही प्रोसेस जिस तरीके से हमने इसको बना के कम्प्लीट किया था सेम वैसे ही कम्प्लीट करना है अब यहाँ से फिर से हमें बना लेना है वन डबल क्रोशिया ठीक है फिर से टू डबल क्रोशिया स्टेप बाई स्टेप सब कुछ आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं तो मैं फिर से आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी ठीक है तो देखिए आगे यहाँ बनाना है वन टू थ्री और वन फोर डबल क्रोशिया बना लेना है ठीक है देखिए यहाँ तक बना लिया हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन का चेन लेना है और टू स्किप करना है ठीक है और बीच से हमने यहाँ से स्टार्ट करना है तो देखिए वन डबल क्रोशिया टू डबल क्रोशिया ठीक है और ये थ्री हो गया और थ्री के बाद ये फोर हो गया ठीक है फोर के बाद ये फाइव बना लिया हमने और फाइव के बाद यहाँ पे हमें बना लेना है वन डबल क्रोशिया टू डबल क्रोशिया थ्री डबल क्रोशिया और ये फ़ोर यानी कि एक ही स्पेस हमको फोर बना लेना है ठीक है इधर से टू स्किप करना है और ये जो आगे वाला स्पेस है ना यहाँ पे हमको फोर डबल क्रोशिया बनाना है इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग फिर यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन का चेन लेंगे और यही प्रोसेस तो करते रहना ठीक है थीके? अगर ज्यादा आपको इस तरीके तो इस तरीके थोड़ा से थोड़ा सा इसको फैलाइएगा तो ये सही हो जाएगा ठीक है देखिए जैसे ये देखिए सही हो गया ना इस तरीके से तो ये इसी तरीके से बनता हुआ जाएगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही मैंने बताया आपको इतना ही शेयर करना था नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल हम शेयर करके दिखा देंगे कि किस तरीके से पूरा फुल हमने बना के कंप्लीट किया है इतना बड़ा पूरा तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने आपको बता दिया वन टू थ्री यानी कि इसकी थर्ड रो तक बता दिया है थर्ड रो यहाँ पे देखिए वन टू थ्री यहाँ तक है बाकी की थर्ड रो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही शेयर करना था वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू तो टाइम मिलती रहेगी सो तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय